साथियों, राज्य में कानून का राज हो ये हर राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से राजस्थान में हर तीज त्योहार के दौरान दंगे होते रहे हैं। एक तरह से हर वर्ष राजस्थान में कोई न कोई बड़ा दंगा राजस्थान में जरूर हुआ है। मैं छोटे छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े दंगों की बात करता हूं, जिस दंगों ने देश को चौंका दिया। अक्टूबर 2019 में टोंक में बड़ा दंगा, 2020 में डूंगरपुर में बड़ा दंगा, 2021 में झालावाड़ और बारा में दो बड़े दंगे, और 2022 में फिर कांग्रेस ने जोधपुर और करौली को दंगों की आग में झोंक दिया। पिछले साल नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? जरा माताएं बहनें बताएं, क्या इसको भूल सकते हैं क्या? जरा उस तरफ जो लोग दूर दूर बैठे बताएं, भूल सकते हैं क्या? क्या इसे भूल सकते हैं क्या? आप सब लोग बताइए, क्या इसको भूल सकते हैं क्या? यहां पत्थरबाजी में कितने ही लोग लहूलुहान हो गए, घायल हो गए, कितनों का व्यापार कारोबार चौपट हो गया। कहीं परशुराम जयंती पर हमला, कहीं नववर्ष की शोभा यात्रा पर हमला, कभी दशहरे के जुलूस पर हमला। ये इस हमले क्यों रुकते नहीं है भाई? ये हमले इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री के आवास पर दावत करते हैं। ये अपराधियों को दावत दे, क्या वो कांग्रेस आपकी रक्षा कर सकती है? आपकी रक्षा कर सकती है? जरा मुझे बताइए, रक्षा कर सकती है?